जो सबसे सस्ता वो सबसे पहले हमारे हाथ में पहुंचता है। जैसे विदेश से प्लास्टिक के पैकेज में छोटी छोटी फ्राई, लेस, कुरकुरे सब सस्ते की चीज़ है, मगर सबसे जो कीमती, जो जिसमें अपना संस्कार बसा हुआ है, वो है संगीत। और जैसे संगीत का जो संस्कार नहीं है उसमें समगीत नहीं होती है, क्योंकि संगीत का पहले सम जो है वो संस्कार से है। यहाँ की झा साहब ने छेड़ी हवाई की बात, मैं तो पिछले 3-4 साल से हवाई में आधी ही हिस्सा ऑफ माय लाइफ हवाई में काटता है, वो हवाईयन लोगों के साथ, वहाँ की इंडियन बिजनेसमैन के घर पे नहीं। मैं वो हवाईयन म्यूजिशियन के साथ घूमता रहता हूँ, वो लोग सर्फिंग करते रहते हैं, मेरे तो बाल भी बच्चे हैं सब घर पे, इसलिए मैं सर्फिंग नहीं करने जाता हूँ, डरता हूँ कहीं पैर खो जाए, कहीं हाथ खो जाए, मगर वो करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। उनका जो उछाल है वो उछाल उनके संगीत में है, और वो उछाल हमारे संगीत में भी है। दोनों में जो फ़र्क है वो एक्सेंट की, तभी वो हवाईयन है, ये हमारा इंडियन है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये जब मैं हवाई गया था उसी में मुझे अंदाज़ा लगा, रहे बेटा मैं तो यूँ नहीं बजा पाता हूँ क्योंकि मैं ये सीखा नहीं, उनका ये स्टाइल है यूँ करके बजाता है, तो बेटा मैं क्या करूँ फिर। तो मैंने सोचा बेटा तू ऐसा कर, एक चमची लेके इसके ऊपर बजा, चमची की जगह हमने ये उठा लिया, तो फ्लैट रख के बजाता हूँ तो ये गिटार हवाईयन गिटार बन गया। तो ये ऐसा है, ये यूकेलेली है, इट वेंट ऑल द वे फ्रॉम स्पेन टू साउथ अफ्रीका विद द स्लेव्स, इट केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू हवाई टू सर्व द किंग, सबने सब प्रॉपर्टी खरीद के रखा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी हवाई आधा हवाई जापानीज का हो गया है, मगर वो स्पेनिश लोगों की उनके वहाँ पर रेंच अभी भी है पहाड़ के ऊपर, उनको आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र में बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है और एकदम एक चाम के ऊपर वो घोड़े पे सवार हो जाता है, इतना तगड़ा, इतना फिट है। तो उनका प्रॉपर्टी देखने के लिए हवाईयन स्लेव लोगों को रखा जाता है, बागीचे करो, खाना बनाओ, बिस्तर साफ करो, बर्तन साफ करो, मगर संगीत तो संस्कार में बसा हुआ है, उसमें तो किसी का राज नहीं है, उनमें ही उनका ही राज है। तो वो यूकेलेली को अपना लिया था, जो स्पेनिश यूकेलेली जो साउथ अमेरिका से आया था लैटिन म्यूजिक के साथ, तो वही यूकेलेली का ये वर्शन है आनंदी, जो लैप स्टिल में बजता है। हालांकि इसमें 6 तार नहीं है, 4 ताड़ी है। तो देखिए, मैं थोड़ा बहुत भैरवी और हवाईयन म्यूजिक के डायलॉग से आपको बताता रहूँगा, आप यू विल फील दैट व्हाट इज़ हवाईयन व्हाट इज़ इंडियन, ओनली एक्सेंट का फ़र्क है। तो मैं कोशिश करता हूँ तो कि आपको थोड़ा मनोरंजन करता हूँ, जो ये दिस इज़ नॉट सस्ता, दिस इज़ फ्रॉम संस्कार। एंड आज तन्मय भाई जो मुझे बचपन से अपना फैमिली और गुरु छोड़ के, एक दो जना अगर है इस दुनिया में तो तन्मय एक जना है जो मुझे बचपन से जानता है, और इनका सराहना, इनका इंस्पिरेशन मुझे हमेशा मिलता है। कभी भी तन्मय भाई जाओगे मेरे साथ? हाँ चलो। ये प्यार, ये मोहब्बत कोई पैसों से नहीं खरीदा जाता है। थैंक यू तन्मय।
की लाइन है। अब फिर से देखिए, Thank you.
अब और सुनना है क्या? क्योंकि अब कुछ एक घंटे के बाद तो कुशल जी आ ही रहे हैं। अब अगर और कुछ सुनना है तो झा साहब का सुनिए। इनके पास सारे जितने कलाकार आज तक आए हुए हैं सबका संगीत है। एक ही बात जहन में गूंजती है कि इन दोनों कलाकारों के लिए, मतलब ये कहना कठिन है, को बड़े छोट कहत अपराध हो, कि बजा रहा था कोई साज बंद कमरों में, लरज रही थी छतें सात आसमानों की। वाह क्या बात है। आप मेरे जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी कृतज्ञता के जो मेरे शब्द हैं उसको अपनी तालियों द्वारा आप और ईश्वर से प्रार्थना करें कि देवाशीष भाई, तन्मय भाई हर साल इसी तरह हमारे बीच आते रहें और हम सबों को इनका संगीत का अमृत रस मिलता रहे। धन्यवाद। अब तो थोड़ी देर में फिर से कुशल भाई के साथ सुप्रभात कहने ही वाला हूँ, इसलिए शुभरात्रि नहीं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ।